गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। टुडे वी विल स्टार्ट बायोट सावर्ट्स लॉ और लाप्लास लॉ। शुरुआत करते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है। बायोट सावर्ट्स लॉ इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिसिटी पर एंड मैग्नेटिज्म पर। इट इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करता है जहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस होता है और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस पॉइंट पर। ओके इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर ऑफ अ लेंथ डी एल कैरिंग अ करंट आई एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। कहने का मतलब ये है कि स्टेट करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर, यानी जिसकी लेंथ बहुत स्मॉल है, डी एल है, कैरिंग अ करंट आई, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई एट अ पॉइंट, कितने डिस्टेंस से? आर डिस्टेंस से। इज गिवन बाय, वो गिवन है डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड लाइन जॉइनिंग द स्मॉल कंडक्टर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देख सकते हैं के क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ कंडक्टर, मीन्स अ फ्लो ऑफ करंट एंड लाइन जॉइनिंग द स्मॉल कंडक्टर, लाइन जॉइनिंग द स्मॉल कंडक्टर। जैसे आप देख सकते हैं एक्स वाई डी एल स्मॉल लेंथ है और यहाँ से आर और कंडक्टर के बीच में ये एंगल बना हुआ है और पी पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड हो रही है। नाउ कंसीडर अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है एक्स वाई थ्रू विच आई इज फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग कर रहा है फिगर शो, ड्यू टू करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एक्स वाई, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर में। सपोज मान लेते हैं हम दैट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, पॉइंट पी पर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके एक्स वाई में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पी पॉइंट पर थ्रू, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ले लेते हैं डी एल जो कि आपको दिख रहा है ऊपर। नाउ लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आर एक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन है पॉइंट पी से, एट पॉइंट पी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, इज टू बी फाउंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सी, यानी किसके सेंटर से, ए बी, ये बी यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ मैंने तो आप समझ लीजिएगा ए बी जो कि बहुत स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके एलिमेंट्री पोर्शन ए बी। नाउ बायो एंड सावर्ट फाउंड द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी। बायो एंड सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिसने फाउंड किया कि स्मॉल कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई कहाँ पर, पी पर, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन, जो एलिमेंट्री पोर्शन में ए बी में करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, डी बी मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स डी एल स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ए बी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड द लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट्री पोर्शन, यानी कंडक्टर के बीच में और लाइन जॉइनिंग बिटवीन द कंडक्टर उनके बीच में एंगल, साइन ऑफ द एंगल, तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डी बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू साइन थीटा में जीरो पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। नाउ थीटा इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री,
एट दिस पॉइंट एट गिवन डिस्टेंस इन दिस प्लेन डी बी इज मैक्सिमम. और फोर्थ पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पी फ्रॉम द एलिमेंट्री पोर्शन, यानी जो एलिमेंट्री पोर्शन है ए बी और जहाँ से पॉइंट पी है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इट इज़ नोन एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ डी बी इज. सो इन चारों को कंक्लूड करेंगे तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. देन डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. या प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. के क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम. किसके बीच में? बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी और द करेंट कैरिंग कंडक्टर, यानी पी पॉइंट के बीच में और करेंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में. के की वैल्यू है मी नॉट अपॉन फोर पाई विच इज इक्वल्स टू 10^-7 पर एम्पियर मीटर. इज इक्वल्स टू 10^-7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. और 1 टेस्ला की वैल्यू होती है 1 वेबर पर मीटर का -2. सो मी नोट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जोल्यूट परमेबिलिटी. मी नोट को आप मानते हैं ऑब्जोल्यूट परमेबिलिटी है ऑफ अ वैक्यूम. किसकी? वैक्यूम के अंदर ऑफ फ्री स्पेस. सो ऐसा यूनिट में बायो सावर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज इन ऐसा यूनिट डी बी इज इक्वल्स टू मी नोट अपॉन फोर पाई. यहाँ के वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली एंड आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. नाउ दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड. ये इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड देती है एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्मॉल कैरिंग कंडक्टर. और किसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है? स्मॉल कैरिंग कंडक्टर की वजह से. वन द करेंट फ्लोज थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन. अगर करंट फ्लो कर रहा है एलिमेंट्री पोर्शन में ए बी में एज फिगर में दिख रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख सकते हैं दिस इज ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है ना. दिस इज द एरो डी बी एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर. पेपर में ये परपेंडिकुलर शो हो रही है. नाउ बायो सावर्ट लॉ एक्सप्रेस्ड इन अ वेक्टर फॉर्म जिसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो होता है. कैसे? डी बी वैक्टर इक्वल्स टू मी नॉट अपॉन फोर पाई डॉट आई डी एल वैक्टर इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द वैक्टर फॉर्म. आई डी एल इज टेकन वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो. आई डी एल एक वैक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन क्या है? करेंट फ्लो की. जहाँ पर करेंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है वहीं पर आई डी एल की भी डायरेक्शन होगी. सो नाउ सी पी क्या है? एक डिस्टेंस है बिटवीन द कंडक्टर एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसकी की वैल्यू आर है. सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब. अब आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन आर मॉड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर. अभी तो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन हो गया. बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर देंगे तो फुल वैल्यू आ जाएगी. डी बी इज इक्वल्स टू फोर पाई कॉन्स्टेंट है आई डी एल ये वैक्टर फॉर्म में आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. नाउ डायरेक्शन ऑफ डी बी इज सेम दैट ऑफ वैक्टर आई डी एल और आर. जो डायरेक्शन ऑफ डी बी की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आई डी एल क्रॉस आर के सेम होगी. इट फॉलोज एट पॉइंट पी. और कहाँ पर फॉलोज हो रही है? वो पॉइंट पी पर फॉलो हो रही है. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में डी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. नाउ रूल्स टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड उसकी रूल है. राइट हैंड के पाम को आप ग्रैब कर लीजिए, फोर फिंगर्स को, और थम को स्ट्रेट कर लीजिए. अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, या कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है. और अगर क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन नीचे होगी. ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि अगर क्लॉकवाइज है तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है. ओके, नाउ अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल लूप. पहले हम एक लूप था जो एक पॉइंट का ऑब्जर्वेशन था. अब यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर फाइंड करनी है. तो
तो कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ अ रेडियस ए, एक सर्कुलर लूप है जिसका कि रेडियस ए है, सेंटर ओ है, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर आई, और करंट कैरिंग कंडक्टर आई इज शोन इन फिगर. कंसीडर एन इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ए बी, एक इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ए बी है जिसकी कि लेंथ डी एल है ऑफ द लूप. ज्वाइन द सेंटर ऑफ द मिडिल, उसको ज्वाइन कर दिया है मिडिल से, और पॉइंट सी, सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द ए बी ऑफ द करेंट एलिमेंट. तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू करंट ए बी इज गिवन बाय डी बी इज इक्वल टू मी नॉट 4 पाई डॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन ए स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्री एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वेयर आई डी एल वैक्टर इज इक्वल टू आई ए बी. डी एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बी इज अ वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट के डायरेक्शन में होगी थ्रू ए बी एंड आर के थ्रू, ए बी और आर के थ्रू. आर इज अ यूनिट वैक्टर, सो आर इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग सी ओ, और यूनिट वैक्टर है वो किसके अलॉन्ग, सी ओ के अलॉन्ग, यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ए एंड एलिमेंट्री ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. द मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट अ पॉइंट ओ, जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पर डी बी होगी वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से होगी, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई डी एल क्रॉस आर कैप, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी किसके परपेंडिकुलर होगी, प्लेन ऑफ द लूप एंड इनवर्ड डायरेक्शन. इनवर्ड किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, अंडरस्टूड. सो फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द करंट एलिमेंट ये हो जाएगा डी बी इज़ टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, वही सेम थिंग. हैंस द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप, अब होल सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी इज़ टू इंटीग्रेशन, उसका सर्कुलर का इंटीग्रेशन डी बी, क्योंकि सर्कुलर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बीच में एक सर्कल का साइन बना देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई मी नॉट 4 पाई डॉट आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, और मी नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और डी एल को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे. नाउ डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई ए, जो लेंथ ऑफ द डी एल है वो 2 पाई ए है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ लूप विच इज इक्वल्स टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, डी एल की लेंथ हो जाएगी 2 पाई ए, देन b इज इक्वल्स टू 4 पाई अपन वो मी नॉट अपॉन 4 पाई इन टू 2 पाई ए, ये से कैंसिल. इन केस ऑफ द सर्कुलर लूप हैज एन एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स हैं देन b इज इक्वल्स टू मी नॉट 4 पाई इन टू 2 पाई एन आई ए. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर लूप. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.